कश्मीर में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी तो हो ही रही है, वहीं अब गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान भी आ गया। इस तूफान ने एक आर्मी कैंप को चपेट में ले लिया, जिसमें एक JCO और 6 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। हालांकि गुरेज में बर्फबारी जारी है, लेकिन राहत और बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के पास गुरेज सेक्टर में कल शाम बर्फ की एक विशाल चट्टान सेना के शिविर पर आ गिरी, जिससे कई सैनिक उसमें फंस गए। बचाव अभियान में एक जूनियर अधिकारी समेत 7 सैनिक बचा लिए गए। वहीं अधिकारी ने बताया कि कई सैनिक अभी भी लापता हैं, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि भारी हिमपात से बचाव अभियान में बाधा आ रही है। कश्मीर घाटी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी के दौरान हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों के भीतर रहने के निर्देश जारी किए हैं। 24 घंटे के दौरान कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी की वजह से लगभग 24 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। तो एक ओर जहां देश के जवान राजपथ पर अपने शौर्य और पराक्रम को पेश कर रहे हैं, तो वहीं देश के 6 जवान हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हो गए हैं। जाहिर है भारतीय सेना के साथ ही पूरे देश के लिए ये एक निराशा की खबर है। देखते रहिए DB Live।